गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजीव 4400 पर। और आज हम पहुंचे हैं पतंजलि योगपीठ आश्रम हरिद्वार। यह है आश्रम के अंदर का सीन। अभी हमने गेट के अंदर एंट्री की है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में इनकी पार्किंग है। पहले वहाँ गाड़ी पार्क करते हैं, उसके बाद चलेंगे आश्रम के अंदर, देखेंगे और क्या क्या व्यू हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं पहले पार्किंग की तरफ, गाड़ी लेके गाड़ी पार्किंग में खड़ी करते हैं। और यह है यहाँ पतंजलि आश्रम की पार्किंग, देख सकते हैं आप। पार्किंग बहुत बढ़िया, वीआईपी पार्किंग इन्होंने यहाँ बनाई हुई है, बहुत बढ़िया पार्किंग। अभी चारों तरफ पेड़ पौधे लगा के बहुत ही सुंदर पार्किंग बना रखी है आश्रम में। गाड़ी करते हैं पार्क। और भाई गाड़ी हमने पार्क कर दिया पार्किंग में, अभी चलते हैं आश्रम के अंदर, आपको दिखाते हैं अंदर से आश्रम। और दोपहर का 1:30 बज चुका है भाई, अभी भूख लगी हुई है हमें। पहले देखेंगे यहाँ पे कैंटीन कहाँ है, खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद आपको बाकी का व्यू दिखाएंगे। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये इनका मेगा स्टोर है। यहाँ पतंजलि का कोई भी सामान आप यहाँ से खरीद सकते हैं, सभी सामान यहाँ पे मिलता है टोटली। और ये है यहाँ पे जहाँ ये दवाइयाँ वगैरह देते हैं, ये हॉस्पिटल है इनका अंदर सारा इस साइड में। और उसकी साइड में ही लेफ्ट साइड में है कंटीन, कंटीन में जाएंगे पहले खाना खाएंगे। ये अंदर का भी आपको बाद में दिखाएंगे। ये भी और ये साइड में है कंटेन इनकी। देखो कितना अच्छा अंदर से इन्होंने मेंटेन किया, ये पार्क वगैरह कितना सुंदर बना रखा है आश्रम। बहुत ही सुंदर आश्रम है भाई। और ये है इनकी अन्नपूर्णा रसोई, यहाँ सामने आपको दिखेगी कैंटीन जिसे बोल सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कैंटीन के अंदर, कैंटीन के अंदर का आपको दिखाते हैं क्या क्या हमें बना रहे हैं ये लोग। ये है यहाँ पे कैंटीन, ये 3 मंजिली कैंटीन है। और यहाँ से मिलेगा टोकन, जो भी सामान लेना खाने का और यहाँ से इसका पहले टोकन लेना होगा। और ये भी हमने पहले जलेबी की एक स्लिप ली है, यहाँ पे जलेबी बनवा के खाएंगे, देसी घी में जलेबी बनाते हैं। ये देख सकते हैं आप। एक ही है बस, वही इकट्ठी है। जलेबी बहुत बढ़िया भाई आश्रम में, देसी घी की जलेबी है। यह है भाई पतंजलि की मेन वेज थाली, स्पेशल वेज थाली है ये। और ये साथ में देसी घी की जलेबी। अभी करते हैं लंच, उसके बाद आपको दिखाते हैं पतंजलि में और क्या क्या है। अभी हमने खाना तो खा लिया, अभी यहाँ खाना बहुत बढ़िया था, सिंपल खाना था। अभी खाना खा के आपको दोबारा आगे इस साइड में पार्क है। और ये रास्ता इन्होंने इस टाइप से बनाया हुआ है, जैसे आप पहली मंजिल पे हो तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आप इसी रास्ते से जा सकते हो। आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, या नीचे जाके जैसे दूसरी बिल्डिंग में जाओगे ऐसी जरूरत नहीं है। ऊपर से ऊपर आप रास्ते बनाए हुए हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा सकते हो। अभी हम इनके अन्नपूर्णा रसोई से आ चुके हैं, इनके जो हॉस्पिटल है यहाँ, OPD वगैरह इनकी इसी साइड में है, यहीं पर सारी दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, डॉक्टर सभी यहीं इस साइड में बैठते हैं। कुछ मीटिंग हो इनकी पतंजलि की, कोई मीटिंग वगैरह हो यहीं भी होती है। अनुसंधान प्रयोगशाला
यहाँ से ये एग्जिट बाहर जाने का रास्ता है। चलते हैं पतंजलि मेगा स्टोर की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या क्या सामान मिलेगा। बाकी तो यहाँ सारी बिल्डिंगें वगैरह यानी कि रूम वगैरह जो मरीज यहाँ पे रहते हैं उनको देते हैं वो सामने आयुर्वेद भवन। अभी आश्रम बड़ा सुंदर है, आश्रम किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है, देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू। बड़े ही सुंदर पेड़ पौधे और सारा पार्क वगैरह ने मेंटेन किया बड़े अच्छी तरह से यहाँ। अभी चलते हैं इनके मेगा स्टोर में, वहाँ से देखते हैं कुछ सामान वहाँ से खरीदेंगे पतंजलि का जो भी अच्छा लगेगा वहाँ पे। ये है पतंजलि का मेगा स्टोर जो यहीं पतंजलि हरिद्वार आश्रम के अंदर ही है, काफ़ी बड़ा स्टोर है। इसका एंट्री गेट दूसरी साइड से एग्जिट। यहाँ पे आश्रम के अंदर ही कपड़े वगैरह सारा कुछ मिलता है, आप देख सकते हैं आप कपड़े वगैरह दवाइयाँ वगैरह आपको जो भी फूड प्रोडक्ट यहाँ से लेने हैं सब कुछ मिलेगा आश्रम इसके अंदर मेगा स्टोर के अंदर ही सारा कुछ। जेंट्स जींस पैंट वगैरह टी शर्ट वगैरह सब कुछ बेल्टे वगैरह टोटली सारा सामान इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। यह सारे प्रोडक्ट इसके पतंजलि के प्राकृतिक खाद्य पदार्थ यहाँ लिख रखा है इन्होंने, लगभग रसोई का सामान है सारा। मुरब्बा वगैरह साइड में रखा हुआ सारा। और आगे चलते हैं कॉस्मेटिक आइटम यहाँ पे सारी। यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह कोई भी दवाई लेनी है तो यहाँ से मिलेगी। इस साइड में है पतंजलि की पुस्तकें बुक्स वगैरह। ये है जूस वगैरह इस साइड में, ये है बिलिंग काउंटर सामने आप देखेंगे।
ये है एग्जिट गेट बाहर जाने का रास्ता। अभी आश्रम हमने सारा देख लिया, अभी चलेंगे यहाँ से वापस। आई होप आपको भी संजली आश्रम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बने रहना हमारी अगली वीडियो आने तक। तब तक के लिए जय हिंद।